हमारे चैनल टेंपल जर्नीज में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर में स्थित वैदिक सोसाइटी हिंदू मंदिर के दर्शन को जाने वाले हैं। साउथहैम्पटन शहर इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और ये एक बंदरगाह भी है। हमने हमारा सफ़र लंदन से शुरू किया और पहले हम इंग्लैंड के दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित बॉर्नमाउथ नामक गांव में आए। यहां पर हमने कुछ समय बिताया और अब यहां से हम साउथहैम्पटन स्थित वैदिक सोसाइटी हिंदू मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं, जो कि यहां से करीब 45 मिनट की दूरी पर है। अब हम मंदिर के करीब पहुंच गए हैं और यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पर हम खड़े हैं। अब हम रेडक्लिफ मार्ग पे पहुंच गए हैं जहाँ पे ये मंदिर स्थित है। और हमें मंदिर का कार पार्क दिखाई दे रहा है और हम यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे। ये काफ़ी बड़ा कार पार्क नज़र आ रहा है। यहाँ पे अब हम हमारी कार पार्क करेंगे और फिर मंदिर की तरफ चलेंगे। अब हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं और ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार आपके सामने है। अब हम वैदिक सोसाइटी हिंदू मंदिर के अंदर हैं और यहाँ पे कीर्तन चल रहा है। इस कीर्तन का लाभ उठाते हुए हम आपको इस मंदिर के विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन भी कराते हैं। कीर्तन खत्म होने के बाद इन देवी देवताओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। Krishna Mahadeva
अब आपके सामने आप राधा और कृष्णा को देख सकते हैं। इनके पीछे वृंदावन का मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा है और यहाँ ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की छवियां हैं जो उन पे पुष्प बरसा रहे हैं। राधा और कृष्णा को बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनाए गए हैं। भगवान की बहुत ही मनमोहक छवि आप सामने देख रहे हैं। इस तरफ आप लक्ष्मी और नारायण को देख सकते हैं। उनके पीछे आप शेषनाग को देख सकते हैं। इस तरफ राम, लक्ष्मण और सीता तथा उनके पैरों के पास हनुमान जी खड़े हैं और यहाँ पर भी संकट मोचन हनुमान जी हैं। यहाँ दाहिनी ओर अब आपके सामने दुर्गा माता या अंबा माता है। इनको बहुत ही सुंदर हरे रंग की साड़ी पहनाई गई है। यहाँ पे विघ्नहर्ता गणेश, अब आपके सामने शिव और पार्वती जी हैं और उनके आगे शिवलिंग को भी देख सकते हैं। इनके ठीक सामने नंदी तथा कछुआ हैं। अब लौटने से पहले दोबारा से हम आपको इस मंदिर को दिखाते हैं। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और आप देख सकते हैं कि इसकी दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। अब हमारे लौटने का समय हो गया है और हम हमारी कार की तरफ चलेंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे अन्य वीडियोस भी आपको पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और वो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।